जय हिंद बच्चों, मैं आनंद चौहान पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एयरफोर्स अग्निवीर वायु वैकेंसी आ चुकी है, अब नोटिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, हर एक सिंगल स्टेप को प्रॉपर तरीके से थॉरो स्टडी करना है ताकि आपके इस फॉर्म भरने की प्रक्रिया से लेकर के आपके फाइनल सिलेक्शन तक के प्रोसीजर में कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आने पाए। बेटा आज हम इस एयरफोर्स के अग्निवीर वायु के इनटेक 012024 रिक्रूटमेंट 2023 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट नोटिफिकेशन जो भी आया है, किन किन चीजों की जरूरत है, एज क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, कितना पैसा बाद में मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन हम गैदर करके लेकर के हैं आपके सामने। तो जितने भी बेटा मेरे एयरफोर्स वॉरियर्स हैं जिनका सपना है, ठीक है, कि वायुवीर बनना, जिनका सपना है एक्स ग्रुप में जाना, जिनका सपना है वाई ग्रुप में जाना, ठीक है, और ऐसे सभी डिफेंस एस्पिरेंट वो हमारे इस वीडियो से जुड़ सकते हैं। और प्रॉपर आपको अंत तक वीडियो देखना है ताकि आप कि इस तैयारी में कोई भी एक स्टेप आपसे छूट ना जाए। जानकारी होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बेटा। तो आज हम पूरी कंप्लीट नोटिफिकेशंस को आज हम आपको बताएंगे। पहली चीज तो ये कि नोटिफिकेशन है बेटा, ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, 2023 के लिए आया है। इसमें सबसे पहली चीज तो ये भैया कि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है मुन्ना। एप्लीकेशन शुरुआत कब से हो रही है? 27/7/2023 से आपके फॉर्म की शुरुआत हो रही है। अंत का जो है इंतजार ना करेंगे कि भैया आखिरी हफ्ते में भरेंगे या अभी तो बहुत दिन है सर, ठीक है। जैसे ही फॉर्म ओपन हो, जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है, गो फॉर इट एंड फिल द फॉर्म, ये आपका पहला एम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा गुरु ना, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बचेगा आगे। तो ध्यान रखिएगा 27/7/2023 से जो वैकेंसी आपके आ गई है फॉर्म, आप उसका भर सकते हैं 27 जुलाई से। लास्ट डेट भी इंपॉर्टेंट है, शाम 5 बजे तक। ये नहीं कि हम 17 अगस्त को भरते रहेंगे आराम से 11-12 बजे रात तक, सर तारीख तो 17-12 बजे रात तक होती है, एयरफोर्स वाले आपके लिए बैठे नहीं रहेंगे। 5 बजे तक यानी 17th August 2024 टिल 5 PM ही आपके पास समय है बेटा फी। और अगर एग्जाम फी, अगर लास्ट डेट की अगर हम बात करें, उसमें जो पैसा लगता है फॉर्म भरने का, जो चार्जेस है, उसका भी टाइमिंग पीरियड सेम है बेटा। एग्जामिनेशन डेट क्लियर हो चुकी है, ये बहुत अच्छी बात होती है अब एयरफोर्स के एग्जाम्स की, कि भैया डेट क्लियर कर देते हैं कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो 13th October 2023 को है। कुल मिलाकर के 13 अक्टूबर 2023 को आपका एग्जाम है और समय आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर के 12 दिन, एक परफेक्ट टाइम पीरियड है जहां पर अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं और आप सेलेक्ट हो सकते हैं। एडमिट कार्ड जैसा कि आप जानते हैं एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले और हर हाल में आ जाता है। एप्लीकेशन फीस, पैसा कितना लगेगा भैया? रोकड़ा पैसा बोले तो, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में अगर आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको पैसा जरूर देना पड़ेगा। एयरफोर्स बिना पैसा लिए भैया फॉर्म आपसे नहीं एक्सेप्ट करने वाली। तो 250 रुपए की व्यवस्था जरूर कर लीजिए बेटा फॉर्म भरने के लिए। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, एज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 17.5 साल ध्यान रखिएगा। अगर आपकी उम्र 17.5 ईयर है और मैक्सिमम 21 ईयर्स तक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इन्होंने देखो इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया है कि ज्यादा और ज्यादा समझ में आए कि भैया अगर आपकी एज 27 जून 2006 से लेकर के 27 दिसंबर 2006 के बीच में है, 2003 से लेकर 27 दिसंबर 2006 के बीच में है, तो ही आप इस फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। यानी कि जो 17.5 से 21 साल वाला जो टर्म है, ये इसी डेट के अंदर ही जो है क्या है वो आ रहा है। पोस्ट नेम वायु इनटेक एक ये है, और इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर स्कीम एलिजिबिलिटी, साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी डिटेल्स, भैया कह रहा है कि 10+2 में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश होनी चाहिए विद द मिनिमम परसेंटेज ऑफ 50। अगर 50% मार्क्स नहीं है तो आप जो है इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर इससे आपने डिप्लोमा भी कर रखा है ये, तो भी अगर वो 50% वहां भी जरूरी है, बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो 50% मार्क्स है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपने 2 साल का कोई वोकेशन कोर्स कर रखा है विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जिसमें फिजिक्स एंड मैथ्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद द मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेटेड 50% इन इंग्लिश, ठीक है, तो अगेन यहाँ पर भी देखो 50% का, यानी कि कुछ भी किया है 50% भैया अगर नहीं लाए हो तो तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं मिलने वाला एयरफोर्स वालों के लिए। साइंस के अलावा 10+2 के अलावा अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स वालों के लिए 10+2 अगेन सब कुछ सेम है, ठीक है, 50% मार्क्स है अगर साइंस के अलावा वाई ग्रुप में, साइंस है तो भैया एक्स ग्रुप में जाएंगे, टेक्निकल हो जाएंगे, साइंस नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे, वाई ग्रुप मिलेगा भैया जिसे हम नॉन टेक्निकल कहते हैं, सारी चीजें सेम है। हाइट देख लीजिएगा भैया, फीता उतर लेके नाप लीजिएगा अपने घर पे, 152.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और बॉयज के लिए 5 सेंटीमीटर का क्या है चेस्ट एक्सटेंशन मस्ट बी रिक्वायर्ड भैया, डेप्स ऑफ सपाट पुशअप जो भी अपनी भाषा में कहते हैं उसे मारना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके एक्सपेंशन नहीं हो रहे हैं तो। इंडियन एयरफोर्स बेनिफिट्स भैया, पैसा बेनिफिट क्या मिलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। इंडियन यंग पीपल हुज एज इज बिटवीन 16.5 to 21 years कैन अप्लाई इन द अग्निपथ स्कीम, सही है भैया, अग्निपथ विल अलाउ यू टू सर्व इन द आर्म फोर्सेज फॉर द पीरियड फॉर 4 years, 4 साल का टेन्योर है, ये भी क्लियर है। LIC लाइफ इंश्योरेंस, अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर इन द इंडियन एयरफोर्स, यानी कि 4 साल तक आपका 48 लाख रुपए का बीमा जो है भारतीय वायुसेना की तरफ से रहेगा। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट और स्किल सेट सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू अग्निवीर बाय द इंडियन एयरफोर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड, 4 साल जब आप बेटा पूरा कर लोगे तो उनको क्या मिलेगा, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप 75% में आओगे तो सर्टिफिकेट लेके घर आ जाओ फिर कुछ भी करो। लीव, छुट्टी की बात क्लियर कर दी है, साल में 30 दिन ही मिलेगा, और एनुअल लीव, सिक लीव, मेडिकल लीव एडवाइस, अगर कोई आप सिक लीव है मेडिकल लीव है तो डॉक्टर्स आपको वहां पर जो है अगर एडवाइस करेंगे तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। और एवरी ईयर देयर विल बी सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स इन द अग्निपथ स्कीम, जैसे भैया पहले साल में 30,000 तनख्वाह है, 21,000 मिलेगा, 9,000 आपका अग्निवीर कॉर्पस फंड में चला जाएगा। दूसरे साल में आपकी तनख्वाह होगी कितनी, 33,000 पैसा मिलेगा, 23,100 रुपए, 9,900 रुपए आपके अकाउंट में कटेगा कॉर्पस फंड में अग्निवीर। तीसरे साल 36,500 फीस आपकी मंथली पैकेज होगा, 25,580 रुपए आपको मिलेंगे बेटा, 10,950 रुपए आपके एक साल तक कटेंगे। एंड फोर्थ ईयर में आपकी तनख्वाह होगी 40,000 रुपए और आपको मिलेगा 28,000 रुपए और 12,000 रुपए आपका कॉर्पस फंड में जाएगा। टोटल 5,02,000 रुपए आपके सैलरी से कटेगा और मिलेगा कितना, 11,71,000 रुपए और उसके साथ आपको वो वाला सर्टिफिकेट, ठीक है, स्किल गेन सर्टिफिकेट जो आपको एयरफोर्स प्रोवाइड करेगा। लेकिन 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 ध्यान रखिएगा, सब लोग को 4 साल बाद वापस नहीं आना है, ठीक है, वापस वही आएगा जो मकरा होगा, जो काहिल होगा, जिसके अंदर ये क्षमता होगी कि नौकरी पा गया कुछ नहीं करना हमको, तो ऐसे लोगों के लिए प्रॉब्लम है। बाकी ऐसे जुनूनी लोग जिनका सपना है बच्चों का कि नहीं हम एयरफोर्स जो है हम जॉब के तौर पर नहीं जा रहे हैं, हम देश सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बेहतर रहेगी, इन द सेंस काम बेहतर करेंगे, तो अगर आपका 25% में अगर नाम रहता है तो आप आगे जो है लॉन्ग टाइम बेसिस के लिए भी आप प्रोसीड कर जाएंगे, तो 25% लोग आगे क्या है रेगुलर कैडर में आ जाएंगे बाद में। हाउ टू फिल इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर फॉर्म, कुछ नहीं करना है, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, 27 बता चुका हूँ, 27 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में टाइम पीरियड है। फोटो का इंस्ट्रक्शन मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, पासपोर्ट साइज कलर फोटो June 2023 से पहले ना हो, एंड साइज ध्यान रखिएगा भैया 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का एकदम ध्यान रखेंगे आप लोग। एंड कैंडिडेट डीड द नोटिफिकेशन बिफोर द अप्लाई, बिल्कुल कोई भी फॉर्म आए तो नोटिफिकेशन हर हाल में पढ़ना चाहिए भैया। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ, जितने भी डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं सबका आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड, ठीक है, फोटो सब लोग अपने सारे जो स्कैन डॉक्यूमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से रेडी रखिए फॉर्म भरने से पहले। बिफोर सबमिशन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली, इफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट, इफ यू हैव नॉट रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी योर फॉर्म इज नॉट कंप्लीटेड, भैया पैसा नहीं जमा करोगे तो फॉर्म पूरा नहीं माना जाएगा। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिशन फॉर्म, जब पूरा फॉर्म भर जाए तो साहब एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए साहब, उसको संभाल के रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके एडमिट कार्ड निकालने के काम आती हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा एक आपको मैंने पूरा जो है कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है बेटा एयरफोर्स वालों के लिए, ऐसे बच्चे, ठीक है, जिनको एयरफोर्स सपना है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड में जाने का। ओके बेटा, जय हिंद जय भारत।